हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया, कुछ आज न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने बना लिया। तो जो आज हम कवर करेंगे वो है आपका, ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, और वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अपने पिछले वीडियोस में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको पढ़ लिया है, पर आइए आपको थोड़ा जल्दी से समझा भी दें एक बारी वापस से, ठीक है ना, अदरवाइज शायद समझने में दिक्कत हो आपको। तो देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें पूरी बॉडी के ऊपर हर एक पॉइंट पे सेम चार्ज अवेलेबल हो। क्लियर है? तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने तीन भाग में स्टडी किया। एक था आपका लीनियर, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था भाई? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? आ गई बात समझ में? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? तो हमने कहा कि एक रॉड ले लो, ठीक है ना, इस रॉड की कोई लेंथ है, मान लो ये रॉड की लेंथ है, ठीक है, एल है। क्लियर है? और इस रॉड के ऊपर क्यू आपने चार्ज दिया। क्लियर है? ये चार्ज इस पूरी रॉड पे यूनिफॉर्मली फैल गया। क्लियर है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यहां पे हम कैलकुलेट करते थे लीनियर चार्ज, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होता था लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा था जिसको हमने नाम दिया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? हमने इसको नाम दिया सरफेस, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? जैसे एक आपने होलो मेटेलिक स्फीयर ले लिया और इस होलो मेटेलिक स्फीयर को आपने चार्ज दिया, ठीक है, ये चार्ज पूरे होलो स्फीयर के सरफेस पे आकर कर करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? समझ लो मेरी बात। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे हम कैलकुलेट करते थे आपका सरफेस, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करते थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से दिखाते थे, और सिग्मा की वैल्यू थी क्यू पर यूनिट ए, क्यू पर यूनिट ए। क्लियर? एरिया, जहां पे क्यू चार्ज इसको दिया गया है और इसकी जो एरिया है, ठीक है ना, वो एरिया है आपकी ए। क्लियर है? तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, क्लियर है, वो था आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे एक पूरा मेटेलिक स्फीयर है, पूरा सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ध्यान देना है कि ये हॉलो है, ठीक है, और ये जो है वो सॉलिड है, ठीक है, इसको चार्ज दिया, तो ये चार्ज पूरा इस मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम पे यूनिफॉर्मली फैल गया। क्लियर है? तो यहां से जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे हम कैलकुलेट करते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कैलकुलेट करते थे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था बाबू आपका रो, और रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिए। आज के इस लेक्चर में हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन से ही समझेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, क्या है, एक रॉड है, जिस रॉड की लंबाई L है, ठीक है,
इस रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्लियर है। इस रॉड का नाम दे देते हैं AB, AB की लेंथ L है, और आपसे पूछा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C विच इज A डिस्टेंस फ्रॉम द मेटेलिक रॉड, क्लियर है, रॉड से A डिस्टेंस पे है, क्लियर है। तो समझिए हम इसमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपसे पूछा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी, क्लियर है। इसके पीछे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे तो हमने इंटीग्रेशन जैसा कोई भी काम नहीं किया था, यहां पे करना होगा। कैसे करेंगे हम आपको दिखाते हैं, क्लियर है। तो ये तो हुआ कि करेंगे, अब क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो कंसेप्ट है डायरेक्टली ये एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पे आर नहीं, यहां पे एल, एप्लीकेबल नहीं होगा एल स्क्वायर। दूसरी चीज क्लियर है कि ये रॉड लिया, ठीक है ना, रॉड लिया और हमने इसके सेंटर पे ये मान लिया कि टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड है, क्लियर है, और यहां से क्लियर है ये वाला ये वाला डिस्टेंस सेंटर पे माना तो ये वाला डिस्टेंस L बाई टू हो गया, यहां पे A और यहां पे निकालना है, क्लियर है। तो ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना हो गया बाबू, ये वाला हुआ ना L बाई टू प्लस A। तो याद रखना है कि के क्यू अपॉन A प्लस L बाई टू का होल स्क्वायर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का यूज नहीं होगा, क्लियर है। ये दोनों बातों पे ध्यान रखना है, पहला के क्यू अपॉन एल स्क्वायर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन, कैसे आइए बात करते हैं, क्लियर है। तो देखो करेंगे कैसे इसको, हमने ये रॉड लिया, ठीक है ना, इस रॉड पे हमने चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई, ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर है। इस रॉड की लंबाई, क्लियर है, हमने कितनी ले ली, तो हमने इस रॉड की लंबाई ले ली L, क्लियर है। यहां से A डिस्टेंस पे पॉइंट C है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्लियर है, कहां पे निकालना है, C पॉइंट पे, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि इस रॉड पे कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, जैसे मान लो यहां पे हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिस एलिमेंट की लंबाई dx है और जो इसका चार्ज है ये dq है और ये एलिमेंट c से x डिस्टेंस पे मौजूद है, क्लियर है, ध्यान रखना है। क्या किया, समझ में आया, एक dx एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर dq चार्ज है, क्लियर है, और इस dq चार्ज वाले एलिमेंट की दूरी c से कितनी है, x है, क्लियर है। अब स्मॉल एलिमेंट जो है, ठीक है ना, स्मॉल एलिमेंट क्लियर है dx, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dx जो है दिस विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, करेगा ना, बहुत छोटा सा ले लिया पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर गया, तो स्मॉल एलिमेंट dx बिहेव एज पॉइंट चार्ज, क्लियर है, और जब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा नाउ दिस कैन बी एप्लीकेबल, क्लियर है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये नहीं कि डायरेक्टली अप्लाई करके बोल दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। तो स्मॉल एलिमेंट dx बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब करेंगे देखो सॉल्व कैसे, इससे इसकी दूरी कितनी हो गई dx,
तो इसके द्वारा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये बहुत छोटा सा डीई लगेगा, क्लियर है। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम एलिमेंट यहां पे कंसीडर करेंगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वन लगा, यहां पे किया डीई टू लगा, यहां पे किया डीई थ्री लगा, ऐसे करते करते हम इस पूरे रॉड के इंटायर लेंथ पे ऐसे छोटे 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 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखो ये रॉड था, क्लियर है, एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां पे कंसीडर किया, एक छोटा सा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे कंसीडर किया, और इन सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, क्लियर है। इन सब को ऐड कर देंगे, इस तरह के ऐड को हम इंटीग्रेशन से करते हैं, क्लियर है, समझ लो मेरी बात को। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस विच इज दी एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी क्या होगा कि सारे का इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है। तो हमको जब ई नेट निकालना होगा, तो ई नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे डीई का, मतलब हमें इंटीग्रेट करना होगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का, क्लियर है। हमको किसको इंटीग्रेट करना होगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर को। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इस जगह से इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस कितना है a प्लस एल, क्लियर है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे a और a प्लस एल के बीच में, क्लियर है। ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया आपका अपर लिमिट, क्लियर है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने निकाल दिया बाहर, तो के बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसका होगा ए ए प्लस एल तक। अब समझिए, रुकिए, डी क्यू या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी क्यू के टर्म में तो होगा नहीं, समझ लो मेरी बात, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी क्यू के टर्म में होगा नहीं। तो या तो हमको डी क्यू के, डी क्यू को डी एक्स के टर्म में तोड़ना होगा, या तो एक्स स्क्वायर को क्यू के टर्म में तोड़ना होगा। आइए देखते हैं। तो अभी मैंने कहा यहां पे कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, देखिएगा यहां पे समझेंगे, जो चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, ये क्यू अपॉन एल होता है, क्लियर है, समझिएगा मेरे बात। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। तो यहां पे इस छोटे से एलिमेंट के लिए, फॉर स्मॉल एलिमेंट, देखना भाई, फॉर स्मॉल एलिमेंट, क्लियर है, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स नहीं होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा कि नहीं होगा, तो लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एक्स, क्लियर है। सो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा डी एक्स, ये वाला कंसेप्ट जो है इसको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम डी एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू, डी क्यू की, सॉरी, डी क्यू की जगह पे हम लैम्डा डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्लियर है। तो जब आपने पुट किया तो आपको मिला के इंटीग्रेशन ए ए प्लस एल, और डी क्यू की जगह पे आपको मिला लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अगेन लैम्डा कॉन्स्टेंट है, सो दिस विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तो के लैम्डा इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, ए प्लस ए और ए प्लस एल के बीच में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, क्लियर है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो एक्स का पावर माइनस टू प्लस, सॉरी, एक्स का पावर माइनस टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या है भाई, तो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स का होता है एन एन प्लस वन, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन, क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, कि के लैम्डा, इसको किया इंटीग्रेट, क्लियर है। तो देखिएगा ध्यान से यहां पे समझिएगा, इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है, क्लियर है, क्या होगा भाई, तो एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, क्लियर है, होगा कि नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से, एक्स का पावर माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन, क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, सीधा इसको सॉल्व कर करके सीधा लिख देते हैं, तो एक्स का पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, क्लियर है। तो हम लिखेंगे माइनस वन बाई एक्स, क्लियर है, ठीक है, और ए
ए प्लस एल, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, तो हो जाएगा के लैम्डा और ब्रैकेट में, ठीक है, वन बाई माइनस में वन बाई ए प्लस एल माइनस, ठीक है, माइनस माइनस वन बाई ए, क्लियर है। ये माइनस मिलकर करके प्लस हो गया, क्लियर है। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो एक बारी कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका के लैम्डा माइनस वन बाई ए प्लस एल प्लस, ठीक है, ए प्लस एल प्लस वन बाई ए, क्लियर है। इसको हम लोग लिखेंगे के लैम्डा, क्लियर है, के लैम्डा, ठीक है, और वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, जिसको हम लिखेंगे, ठीक है ना, के लैम्डा, ध्यान दीजिएगा, के लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, क्लियर है। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, क्लियर है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑफ लेंथ एल एट अ पॉइंट सी ऑन द लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। आप यहां तक भी इसको लिख के छोड़ सकते हैं, क्लियर है, या चाहे तो सॉल्व करके इसको यहां पे भी लेकर के आ सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कंसेप्ट में और डीपली घुसते हैं, क्लियर है। देखिएगा दूसरा केस को समझें। मान लो कि हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग दी गई, क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया एक सेमी सर्कुलर रिंग, और उस सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा के कारण उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अभी तक क्योंकि हमने पहले ही कहा है अपने अपने पिछले लेसन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, कॉस और साइन कंपोनेंट में, क्लियर है। तो देखिएगा कंसेप्ट नंबर दूसरा, ठीक है, कंसेप्ट नंबर दूसरा, नॉट क्वेश्चन, कंसेप्ट दूसरा, ठीक है। अब ये कंसेप्ट देखिए क्या है। सबसे पहली चीज कि मान लो कि आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे दी गई, क्लियर है, ये उसका सेंटर रहा और इस रिंग की लंबाई जो, इस रिंग की जो रेडियस है वो आर है, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात। आपको क्या किया गया, आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया, उस रिंग की लंबाई आर है और इस रिंग के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, क्लियर है, समझिएगा मेरी बात, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, क्लियर है। हमने क्या करना है इसमें, हम सबसे पहली एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, और वो एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे थीटा एंगल पे, क्लियर है। सो हमने क्या किया, हम थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर कर ली, ये एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट की जो चार्ज है वो डी क्यू है और इस एलिमेंट की जो लंबाई है वो मान लीजिए कि डी एल है, क्लियर है। तो लिखेंगे हम लोग डी क्यू चार्ज और डी एल इस एलिमेंट की लेंथ, ठीक है, ये थीटा एंगल पे हमने कंसीडर किया, क्लियर है, आ रही बात समझ में। और इसका हम मान लो एंगल मान लेते हैं डी थीटा, क्या मान लिया डी थीटा, तो ये वाला रेडियस कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आर रेडियस हुआ, ठीक है ना। तो इसके इस एलिमेंट के द्वारा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर आएगी, आएगी ना, डी इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गई बात समझ में। तो अगर समझो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो बाबू थीटा होगा ना, होगा कि नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लग जाएगा। तो इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट डी ई साइन थीटा और एक इधर जाएगा वो होगा डी ई कॉस थीटा,
क्लियर है, इस थीटा एंगल के साथ बना डी कॉस और इधर डी साइन थीटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस एलिमेंट के द्वारा इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान है। इसको अगेन हमने क्या कहा, स्मॉल एलिमेंट है, इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, क्लियर है। तो हम लिखेंगे डीएल बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, डीएल बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे इसमें, हम लिखेंगे यहां पे, ठीक है, हम लिखेंगे कि डीई जो होगा दिस इज योर के, क्लियर है, दिस इज योर के, ठीक है, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। पर अभी रुकिए क्योंकि कंपोनेंट में हमने इसको ब्रेक किया है, क्लियर है। तो अब आप देखो, अगर इस फिगर में आप ध्यान से देखो ना, तो अगर आप इसके अपोजिट, ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप यहां पे एक एलिमेंट इसी तरह का कंसीडर कर लो, बिल्कुल सेम एलिमेंट कंसीडर कर लो, तो इसका डीई इधर होगा, क्लियर है, इसका डीई साइन इधर होगा, होगा ना, डीई साइन, देखिएगा ध्यान से, डीई साइन इधर होगा और डीई कॉस इधर होगा, क्लियर है। तो अब आप देख रहे हो कि डीई कॉस कैंसिल हो गया एंड द आंसर विल बी गिवन बाय, ठीक है, डीई साइन, द आंसर विल बी गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन, क्लियर है, साइन थीटा, क्लियर है। हम लिखेंगे कि डीई, हम लिखेंगे यहां पे कि डीई कॉस थीटा विल गेट कैंसिल आउट फॉर ऑल एलिमेंट कंसीडर्ड, ठीक है, नहीं समझ में आया, तो मान लो कि एक एक एलिमेंट यहां पे लो, देखो ना, हम दूसरे फिगर से समझाते हैं, ठीक है, कैसे कैंसिल हो रहा है। तो ये रहा तुम्हारा, यहां पे रहा, ठीक है, एक एलिमेंट मान लो हमने यहां पे लिया, इसी के तो इसका ये हो गया डी, ठीक है, इधर हो गया आपका डी साइन थीटा और ये हो गया आपका डी कॉस थीटा। इसी के अपोजिट आपने यहां पे ले लिया अगर, ठीक है, तो अपोजिट ले लिया तो इसका हो गया डीई इधर, इस लाइन पे आ गया डीई साइन थीटा, इस लाइन पे आ गया डीई कॉस थीटा। अगर आपने एक एलिमेंट यहां पे अगर मान लो ले लिया होता, ठीक है, तो इसके कारण ये रहता, इसका फिर साइन ये बनता, कॉस इधर बनता, क्लियर है। फिर आप इसके जस्ट अपोजिट में यहां ले लेते तो डी इधर जाता, कॉस ये बनता, साइन ये बनता, समझ रहे हो मेरी बात। तो कॉस कंपोनेंट तो डी कॉस कंपोनेंट तो हर एक केस में कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, पर डी साइन कंपोनेंट हर एक केस में क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या होगा, डी कॉस थीटा विल गेट कैंसिल आउट, क्लियर है, एंड द आंसर दैट वी विल गेट इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, डी साइन थीटा, क्लियर है। तो हम लिखेंगे ई नेट जो होगा, ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा का, अब कहां से कहां तक, तो इस जगह से इस जगह तक। तो आप एक काम करो, आप इस थीटा को जो है ना, इस थीटा को आप जो है यहां पे गिराओ, थीटा यहां पे कितना, 0 डिग्री, यहां पे बढ़ा 0 से कुछ ज्यादा, कुछ और ज्यादा, कुछ और ज्यादा, यहां पे 90 और इधर गया तो थीटा कितना हो गया, 180, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन इसका कहां से कहां तक होगा, तो 0 से π के बीच में, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को, कहां से कहां तक होगा, तो 0 से π के बीच में, क्लियर है। तो DE की वैल्यू हम रखते हैं, क्लियर है, तो DE की वैल्यू हम रखेंगे, तो DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू है बाबू तुम्हारा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, देखोगे डी की वैल्यू तो है ना के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साइन थीटा कहां से कहां तक, 0 से π के बीच में, क्लियर है। आगे बात समझ में, जो कांस्टेंट है उसको पहले ही निकाल के बाहर कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए बाहर कर लिया तो के अपॉन आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का डी क्यू के टर्म में, तो क्या dq के टर्म में साइन का इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं ना, तो हम क्या करेंगे,
हम यहां पे DQ को चेंज करेंगे। अब देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो रहा है भाई मेरे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है। तो DQ जो होगा देखोगे तो लैम्डा बराबर क्या होता है, DQ अपॉन DL होता है। आ रही बात समझ में, लैम्डा बराबर क्या होता है, DQ अपॉन DL। तो यहां पे DQ जो होगा वो लैम्डा DL होगा, क्लियर है। अब इस आर्क को देखो एक बारी, इस छोटे से आर्क को देखा जाए, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ना समझाने के लिए बस बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डी थीटा, है ना, एंगल डी थीटा, ये वाला एलिमेंट जो था, ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट जो है इसकी ही लेंथ डीएल है, ये वाला आर है मेरे भाई, क्लियर है। तो आपने पढ़ा है ना आर्क में कि थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डीएल बाई आर रेडियस। तो फिर यहां से डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, क्लियर है। तो इसको भी यहां पे बैठा दो, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल्स टू, ठीक है ना, लैम्डा और डीएल की जगह पे, ठीक है, आर थीटा होगा, क्लियर है। तो डीएल की जगह पे क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात को। नाउ दिस वैल्यू विल गेट सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन, क्लियर है। तो हमें ई नेट जो मिलेगा वो ई नेट मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो से, सॉरी जो बाहर है उसको बाहर लिख देते हैं, क्लियर है। तो के अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, क्लियर है। तो जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल देते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाला जाए तो इनेट जो होगा वो हो जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा आर, एक आर से एक आर इधर कैंसिल भी हो गया, क्लियर है। तो इधर हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा, अब साइन का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्लियर है। तो आपको यहां पे क्या मिला, इनेट, और इनेट आपको क्या मिला, तो आपको मिला के लैम्डा अपॉन आर और जीरो से पाई, ठीक है ना, साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, क्लियर है, पढ़ा हुआ है अपने इंटीग्रेशन में। तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर और माइनस कॉस, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉस, क्लियर है, थीटा कहां से कहां तक, जीरो से पाई तक, क्लियर है। तो यहां पे इनेट जो आपको मिला वो मिला आपको के लैम्डा अपॉन आर और ब्रैकेट में माइनस कॉस पाई, क्लियर है, मिला ना, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस जीरो, क्लियर है, समझ में आ रहा है, देखिएगा ध्यान से इसको, क्लियर है। तो इनेट जो आपको मिला वो मिला आपको के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, इसकी वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, इसकी वैल्यू ये प्लस हो गया, प्लस प्लस वन, क्लियर है। तो ये आपको क्या मिला, वन प्लस वन टू, सो टू के लैम्डा अपॉन आर, ये ई नेट की वैल्यू जो है वो आपको मिली इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, एट डिस्टेंस आर, क्लियर है, सॉरी एट डिस्टेंस आर ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर, क्लियर है। सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर एक आगे बढ़ते हैं, एक और केस पे आएंगे, इसको लिख लीजिए, फिर एक और केस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, हमारा तीसरा कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट में ना हमें क्वाड्रेंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट पहले बना लिया जाए, ठीक है, सो ये रहा आपका क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और उस
सेंटर ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये पूरा आपका क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो आर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी आर है और ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस भी आपका बाबू आर है, ठीक है ना। सो ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर। इस केस में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, कहां पे? तो सेंटर पे। करना क्या है? बहुत सेम जो पीछे किया उसी को किया, बस कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे। जो पीछे किया उसमें देखते हैं, पिछले वाले में DE cos कैंसिल हो जा रहा था, इसमें कैंसिल होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। चलिए क्या करेंगे, एक थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, इसकी लेंथ, ठीक है ना, इसकी जो एंगल है वो डी थीटा मान लिया जाए, रेडियस तो आर ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, इस एलिमेंट के चार्ज जो दिया वो चार्ज जो है वो डी क्यू, और एलिमेंट खुद मान लो क्या है तो डीएल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर लगेगा, डी इसके कंपोनेंट इधर होंगे, क्लियर है। तो ये वाला थीटा तो ध्यान रखना है, ये वाला थीटा तो ये क्या होगा डीई कॉस थीटा, ध्यान से समझना, और ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, क्लियर है, समझना है ध्यान से, ठीक है ना। अगर ध्यान से समझिएगा तो ये थीटा, तो ये थीटा, क्लियर है, तो उधर हो गया डी कॉस डी साइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। अगर आप देखो तो अगर मान लो कि ना, एक दूसरे फिगर में समझो, अगर मान लो कि ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में एक एलिमेंट यहां लिया, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डी कॉस इधर रहा और इधर रहा तुम्हारा डी साइन थीटा। अगर हम एक एलिमेंट इस जगह पे कंसीडर कर लें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्लियर है, होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर ही होगा, और इधर होगा फिर से डी साइन, इधर होगा डी कॉस। अगर एक एलिमेंट हम यहां पे मान लें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, इधर डी साइन, इधर डी कॉस। तो पिछले वाले केस में क्या देख रहे थे, इसमें देख रहे थे कि एक कंपोनेंट इधर बन रहा था डी कॉस का, उल्टा इधर भी बन रहा था, इसमें दोनों बन रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि यहां पे डी कॉस और डी साइन जो है इस दोनों के टर्म में आंसर आएगा, मतलब कॉस और साइन कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएक्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डीई साइन थीटा के टर्म में, इंटीग्रेशन डीई साइन सॉरी डी कॉस थीटा के टर्म में, क्लियर है। और जो आपको ईवाई मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा के टर्म में, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी ई नेट वो आपको क्या मिलेगी, तो वेक्टर का रूल अगर आपको ध्यान में हो तो यही वो रूल था, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात। तो चलिए पहले डीई निकालते हैं भाई, तो डीई बराबर देखो क्या होगा, ठीक है ना, तो इस केस में डी क्या होगा, तो डी होगा के, क्लियर है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। अब डी क्यू को भी लिखते हैं हम लोग, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, क्लियर है, बिल्कुल जो पीछे किया बस वही करते हैं, थोड़ा सा खाली अंतर आ रहा है, ठीक है ना। ये रहा आपका ये वाला एंगल डी थीटा, ये रहा आपको डीएल, ये रहा आर, तो डी थीटा इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर, सो डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा, क्लियर है। इसको यहां उठा करके यहां रख देंगे, क्लियर है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डीएल इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा, और इसको उठा करके इसमें रख देंगे, क्लियर है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला DE, क्लियर है, इक्वल्स टू, क्लियर है, K लैम्डा R D थीटा अपॉन R स्क्वायर, एक R से एक R,
कैंसिल, क्लियर है? तो आपको DE की वैल्यू क्या मिली, आपको मिली K लैम्डा D थीटा अपॉन R, क्लियर है? तो अब चलिए EX निकालते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा DE का, क्लियर है? DE cos थीटा का, क्लियर है? DE cos थीटा का कहां से कहां होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आ जाओ वापस फिगर पे, यहां से यहां तक होगा, तो ये वाला थीटा कितना है, जीरो, और ऐसे बढ़ा जीरो से कुछ ज्यादा, कुछ और ज्यादा, कुछ और ज्यादा, और ऐसे कितने पे आ गया, 90 पे, ठीक है ना? तो जीरो से कहां तक, पाई बाई टू तक, क्लियर है? वैल्यू बैठाते हैं भाई मेरे, तो ई एक्स हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, डी की वैल्यू यहां से उठा कर रख देते हैं, के लैमडा डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, तो के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, क्लियर है? क्या कॉस थीटा, कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया जाए तो ईएक्स बराबर के लैम्डा आर, बाहर है भाई, कर दो कॉस थीटा डी थीटा जीरो पाई बाई टू, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है? तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है ना, ठीक है? तो ईएक्स हो गया आपका के लैम्डा अपॉन आर, और कॉस का साइन थीटा, और इधर से मेरे बाबू जीरो से पाई बाई टू, क्लियर है? आइए बैठा देते हैं लिमिट, क्लियर है? तो ई एक्स हो गया के लैम्डा, ठीक है, अपॉन आर, और इधर हो गया बाबू साइन, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस साइन जीरो जीरो, क्लियर है? तो ये कितना हो गया, साइन 91 साइन 0 0, क्लियर है? तो ये हो गया कि ex बराबर k लैम्डा अपॉन r, ये हो गया आपको ex की वैल्यू, ठीक है? अब सिमिलरली ey भी तो निकाल लेते हैं, तो सिमिलरली ey निकालते हैं भाई, तो फटाक से लिख देते हैं ey सीधा सीधी, 0 से पाई बाय 2 तक de की वैल्यू, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, और यहां बस साइन होगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, बस यहां पे हो जाएगा आपका बस साइन, ठीक है? बाहर निकाल दीजिए वैल्यू को, तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर, साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाई टू, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, क्लियर है? तो ई वाई की वैल्यू क्या मिली आपको, के लैम्डा अपॉन आर, और इधर बाबू मिला माइनस कॉस थीटा, आ जीरो से पाई बाई टू तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, इधर हो गया माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, ये जीरो ये वन, तो ई वाई की वैल्यू आपको कितनी मिली, तो ई वाई की वैल्यू आपको मिल गई के लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया आपका इक्वेशन टू, क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो इक्वेशन वन भी आपको मिल गया, इक्वेशन टू भी आपको मिल गया, क्लियर है? देखिएगा वहां पे ई एक्स भी है और ई वाई भी है, ये वाला भाई जो है ना, देखो ये वाला ई एक्स की वैल्यू है और ये वाली आपकी ई वाई की वैल्यू है, सबको दिख रहा है, ठीक है ना? तो यहां पे हम ई निकालते हैं, ई नेट निकालते हैं, अंडर रूट अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, बराबर अंडर रूट, देखना मेरे भाई, क्लियर है, के एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस के एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, क्लियर है? क्या हो जाएगा, तो के एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर कॉमन, और इधर टू बचा, इसका वन इसका वन टू, क्लियर है? निकालते हैं बाहर, तो के एक्स अपॉन आर, सॉरी के एक्स लिखा गया, सॉरी के लैम्डा बाबू, एक्स नहीं लैम्डा, ठीक है ना होता है कंफ्यूजन कभी कभी, ठीक है? तो के लैम्डा अपॉन आर रूट टू, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ अ क्वाड्रेंट एट द ओरिजिन, क्लियर है? सो इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है? देखो ये जो टॉपिक तुम अभी पढ़े हो ना, अभी और है, अगले क्लास में अगले लेसन में और वीडियो आएंगे इस पे, और आगे इसको बढ़ाएंगे, बट ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी में
एक केस आएगा कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग सब लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करो। नहीं समझ में आता है वीडियो को एक बार से दो बार देखो, तीन बार देखो, ठीक है, समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप लोग के लिए, ठीक है। अनाउंसमेंट वैसे बच्चों के लिए है जो मेरे कोचिंग सिस्टम से इनरोल्ड थे, वैसे बच्चे जो फिजिक्स बाय आईआईटीएन राकेश सिंह के साथ जुड़े हुए थे। हम लोगों ने फिजिक्स का सारा चैप्टर पढ़ लिया था, बस एक लास्ट का एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बचा हुआ था। और आप लोगों से बात ये हुई थी, ठीक है, कि इस चैप्टर को हम लोग लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर जिस तरह से अभी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिस तरह से आसार लग रहे हैं, ठीक है, तो लॉकडाउन अगर आगे बढ़े तो ये हमारा टॉपिक ना पेंडिंग रह जाएगा, और पेंडिंग रखना नहीं है। सो हम लोग ये करेंगे, थोड़ा सा आप लोग के लिए थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है, आपको दो या तीन वीडियो देखना होगा, बट एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर है उसके वीडियो भी मैं कल से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। कल वीडियो नहीं मिलेगा एसएचएम का, बट परसों वीडियो इंट्रोडक्शन का मिलेगा, फिर वैसे आगे आपको मिलता जाएगा। आप लोगों को यह करना है कि जैसे जिस कॉपी में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख रहे हैं ना, उसमें तो कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं है, कोई वांदा नहीं है उसमें। बट 11th की कॉपी अगर आपके साथ है, नहीं है तो अरेंज करो, एक नई कॉपी ले लो, ठीक है, उसको बाद में न्यूमेरिकल के लिए यूज कर लेंगे, पर उसमें एसएचएम भी लिखना स्टार्ट कर देना। मैं वीडियो परसों डाल दूंगा एसएचएम का, परसों आपके चैनल पे मौजूद होगा, वीडियो आप देख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना। तो एसएचएम को भी पैरेलली हम करते चले जाएंगे। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, ये उसी तरह से जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल ना इसमें बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल या तो सेपरेटली नोट कर लो आप, या फिर उसी में नोट करो, कोई इशू अगेन नहीं है, बट न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा। तो उसके लिए ये नहीं डिमोटिवेट होना है कि अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही करा रहे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, दैट क्वेश्चन विल गिव यू द बेनिफिट, आपको उसका सॉल्यूशन करने में आपको फायदा मिलेगा और आप पॉलिश्ड होते चले जाएंगे। तो घर बैठ करके पॉलिश्ड होने से अच्छा क्या है, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए और अगले क्लास में इसी चीज को, इसी रिदम को और आगे बढ़ाएंगे। तत्काल के लिए सब लोगों से जय हिंद।